वेलकम बैक टू माय एफी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही जबरदस्त चीज़ का रिव्यू आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ और वो नन अदर देन जिसका बहुत ज्यादा हिट हो रही है ब्रांड। बहुत से एड्स चल रहे हैं जी लॉरियल के रेविटा लिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड। इसके बारे में जी सुनने में ये आया कि ये एसिड इतना बेस्ट है कि आपकी स्किन को बिल्कुल जी सब चीज़ों से फ्री कर देगा। एंटी एजिंग है जी, फाइन लाइंस को दूर करता है और उसके बाद स्किन टोन को भी ब्राइट करता है। उसके बाद आप लोगों की स्किन पे अगर कोई स्पॉट है, एक्री स्पॉट है, तो उसको भी दूर करता है। लगाने का तरीका ये है और मैं आप लोगों को इसकी पहले पैकेजिंग दिखाऊंगी। पैकेजिंग जी लॉरियल की बहुत ही बेस्ट है जारी और आप देख सकते हो कि अच्छा जी इसमें 1.5% जो हाइलुरोनिक सीरम है पम्प करता है, हाइड्रेट करता है, 60% फाइन लाइंस को दूर करता है, रिड्यूस करता है। अच्छा जी हम पैकिंग ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं जी इसकी बॉटल के बॉटल कैसी है। बॉटल बहुत ही ज़बरदस्त है, स्मॉल सी है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं जी इसके। वैसे 2700 का मिल रहा है, आजकल 10% ऑफ लगा हुआ है तो आप लोग बाय कर सकते हो। ये आपको पड़ेगा 2250 का और आप लोग जरूर बाय करें। अब मैं इसको आपके सामने इसका जेन्युइन रिव्यू दूंगी कि आपकी स्किन को कैसा ये फील करवाता है और कैसे यूज करना है वो सब चीज़ों को। तो बॉटल ओपन करते हैं जी। बॉटल को ऐसे ओपन करना है, इसके अंदर इन्होंने जी पंप दिया है और यहां से आप लोग इस पंप के थ्रू अपनी स्किन पे लगाएं, ठीक है जी। स्किन पे लगाने के बाद आप, मेरे पास एक टूल है जो कि मैंने बाय किया था ऑनलाइन, उसी के थ्रू ये वाला टूल है, इसके थ्रू मैं इसको स्किन के ऊपर जो है अप्लाई करती हूँ। तो मैंने ये टूल जब बाय किया था ना तो मुझे लग रहा था ये टूल बकवास सी चीज़ है, लेकिन आप लोग इसके ऊपर काफ़ी फंक्शन है, इसको चार्ज करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसकी बात मैं बताऊंगी, मैं विदाउट चार्जिंग और विदाउट मतलब ऑन किए इसको यूज़ करी, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और एप्लीकेशन करने के लिए तो बेस्ट है। जैसे सीरम लगाया इस तरीके से स्किन पे अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब कर लें और इसका कैसा रिजल्ट आता है वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो जी मुझे तो फील बहुत ही लाइटर सा हो रहा है और आप देख सकते हो स्किन बहुत नीट लग रही है। इसके बाद पिंक सी स्किन हो रही है और बेस्ट है और मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैंने सीरम लगाया, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका है स्किन के अंदर। और हम लोगों को ऐसे ही सीरम्स चाहिए होते हैं कि जो कि आप लोगों जब इसको अप्लाई करो तो स्किन बिल्कुल लाइटर सी फील हो और बिल्कुल भी ऐसे ना लगे कि आप लोगों ने कोई चीज़ अपनी स्किन पर अप्लाई की है। मुझे ऑयल फ्री चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है ताकि थोड़ी देर के बाद आपकी स्किन पे ऑयल जो है वो नज़र ना आए, मतलब ऑयली सा जब स्किन हो जाती है तो आपका मेकअप हो या कोई भी चीज़ आपकी स्किन अच्छी नहीं लगती। तो जनाब इसका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा लगाने का तरीका इसके ऊपर बहुत ही डिफरेंट सा दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग सीरम को एज इट इज़ भी लगा सकते हो अपनी स्किन पर, जैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग में आप लोग लगा सकते हो। स्किन चेक करें आप मेरी कितनी ब्राइट और कितनी शाइन कर रही है। और इसको लगाने का तरीका ये कि अगर आप लोगों ने फाउंडेशन लगानी है, फाउंडेशन से बिफोर आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के बाद आप लोग कोई भी फाउंडेशन लेके अपनी स्किन पे लगा सकते हो। जैसे ऑफिस गोइंग लड़कियां हैं और उनको मेकअप करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, या फिर टीवी एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं और उनको भी मेकअप करना पड़ता है, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, सबको मेकअप वगैरह की तो आजकल ज़रूरत पड़ती ही है। तो आप लोगों ने करना ये कि स्किन को अपने सेफ रखने के लिए सबसे पहले ये सीरम को अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेना, देन आप कोई भी फाउंडेशन लेके अप्लाई कर सकते हो। उससे ये होगा कि आपकी स्किन सेफ रहेगी और रिंकल फ्री रहेगी, एक्नी नहीं होगी आपकी स्किन पे और स्किन ब्राइट भी रहेगी। जनाब तो और क्या चाहिए जब इतना कुछ है। एक और वे भी है इसको लगाने का कि आप 1-2 ड्रॉप्स अपनी लें किसी भी जिसमें आप लोगों ने अपनी फाउंडेशन को मिक्स करना हो, किसी भी चीज़ में आप लोग मिक्स करने के लिए 1-2 ड्रॉप्स आपने ये वाले ले लिए, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड लॉरियल के, और उसके बाद आपने लिक्विड फाउंडेशन उसमें लेके उसको मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद अपनी स्किन पे अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद आप लोग इजिली लगा सकते हो। तो उससे भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा ये और बहुत ही अच्छा टाइम देगा और 12 आवर्स के लिए स्टे भी करती है आप लोगों की कोई भी फाउंडेशन। तो जनाब आपको इससे बेटर चीज़ क्या मिल सकती है लॉरियल का? तो मैंने आप लोगों को रेविटा लिफ्ट का हाइलुरोनिक एसिड का बहुत अच्छा सा रिव्यू दे दिया है। लॉरियल रेविटा हाइलुरोनिक एसिड 1.5% हाइलुरोनिक सीरम प्लम्स एंड हाइड्रेट -60% फाइन लाइंस एंड सॉक्स स्मॉलर ऑफ हाइलुरोन। बेनिफिट इज लाइट वेट, नॉन ग्रेसी, इजिली एब्जॉर्ब इन टू द स्किन, परफेक्ट एंड ह्यूमिड वेदर, हेल्प टू द रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ द फाइन लाइन्स एंड रिंकल, प्रोवाइड डीप हाइड्रेशन, इम्प्रूव द ओवरऑल रेडियंस एंड टेक्स्चर, हैज विजिबल एंटी एजिंग रिजल्ट, कैन बी यूज मॉर्निंग एंड इवनिंग, कैन ऑल्सो यूज एंड प्राइमर बिफोर मेकअप, कैन ऑल्सो बी मिक्स इन टू योर फाउंडेशन फॉर डॉय फिनिशिंग।
तो सेकंड सीरम मेरे पास कौन सा है जी? ऑर्गेनेस्टर का यहाँ पर है जी एंटी एजिंग सीरम, जिसकी बहुत सी एड्स आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे। इसकी भी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, बड़े नाइस साइज का कलर, जो कि मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, व्हाइट एंड क्रीमी, तो आजकल मेरा फेवरेट बना हुआ है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा व्हाइट वगैरह क्रीम और ये वाले कलर्स पहनती हूँ। तो जी पैकेजिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, ज़्यादातर आपको पता है अगर पैकेजिंग अच्छी होगी तो बॉटल बहुत हिट होगी और लोग ब्रांड को बहुत ही ज़्यादा लाइक करेंगे। इन्होंने भी इसके अंदर जी ये पंप रखा हुआ है, इसका ऐसी मिल्की सी है, और इसको मैं लगाऊंगी जी दूसरी साइड पे और आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगी कि इसका कैसा रिजल्ट है। अच्छा, ये पंप नहीं हो रहा क्योंकि ये इन्होंने जस्ट वैसे ही बनाया हुआ है लगाने के लिए। ये साइड आप देख सकते हो कितनी शाइनी और कितनी स्मूथ लग रही है। अब मैं अपने टूल से जो है इसको लिफ्ट करूंगी, लिफ्टिंग करूंगी और फिर दिखाऊंगी आपको इसका रिजल्ट। तो बहुत ही स्मूथ सा इसका है टेक्सचर, और अच्छे तरीके से एब्सॉर्ब भी हो रहा है। हो चुका है और ये थोड़ा सा अभी ग्रीसी सा है क्योंकि मिल्की सा है इसके अंदर। अच्छा, ये भी आप लोगों की स्किन की फाइन लाइंस को बिल्कुल दूर कर देगा, रिमूव कर देगा, और सबसे बेस्ट बात ये है कि फाइन लाइंस आप लोगों की चुटकियों में दूर होगी। ठीक है, 1.5 वीक के बाद आप देखोगे आपकी स्किन में वाजिया फर्क नजर आएगा। आप लोगों ने अपने फेस के साथ साथ नेक को बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना, अपने नेक के ऊपर भी अप्लाई करना है, और करने के बाद जी इसको आप लोग देखिएगा आप लोगों को कैसा लगता है। इसके प्राइस हैं 2100-2500, और अगर आप लोग बाय करते हो जी ऑनलाइन तो फिर जनाब 250 रुपीज। आप लोगों को पता है कि वो लोग शिपिंग चार्जेस लास्ट में लेते हैं। मे बी हो सकता है जहां आप रहते हो वहां पर वैसे ही अवेलेबल हो। इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है, बहुत लाइटर सी है, मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैंने अपनी स्किन पे अप्लाई की हुई है। तो आप लोग ये भी सीरम जरूर ट्राई करें, इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये भी फाइन लाइंस को दूर करता है जी, आप लोगों की स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। और इससे बेटर क्या है कि जी आप लोग यंग एज में जैसे ओवर 25 आप लोग लगाना स्टार्ट कर दें, ताकि जी आगे जनाब आगे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फाइन लाइंस स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्योंकि आजकल की हम लोगों की रूटीन ये है कि कोई भी चीज़ आप लोग खालिस नहीं खा रहे, और बहुत सा पोल्यूशन है स्किन पर, बहुत सी प्रोडक्ट्स लगती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वैसी नहीं रही जैसे हमारी मदर्स की होती थी। हमारी माओं की स्किन तो बेस्ट से बेस्ट होती थी जनाब, वो लोग एक सिंपल सी क्रीम भी लगा लेते थे तो स्किन पे शाइन आ जाती थी। आजकल की लड़कियां जनाब जी बहुत कुछ लगा के भी इतनी खूबसूरत नहीं होती, इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती, सॉरी टू से, लेकिन जैसे हमारी माओं की स्किन होती थी कि वो आज भी अच्छी लगती हैं। ऑर्गेनिस्टिक एंटी एजिंग सीरम यूथफुल पीपल लिव लॉन्गर, रिड्यूस रिंकल फाइन लाइंस बाय 56% इन 26 डेज, बेस्ट फॉर स्किन अपलिफ्ट टू लुक यंग, ट्रिपल स्किन मॉइस्चर विद कंटिन्यूड यूज, पीपल विल से ये जवानी कैसे आई। गुड न्यूज, दिस एंटी एजिंग सीरम इज प्योरली ऑर्गेनिक एंड 100% सेव विद 0 केमिकल्स। तो जनाब अब आ जाते हैं अपने थर्ड जो है सीरम की तरफ, जो है स्किन ली ब्राइटनिंग सीरम, जो बेस्ट सीरम है, मैं आज तक यूज़ करती भी आई हूँ। हाफ बॉटल मैंने यूज़ कर ली है इसकी। मैंने सोचा कि आज सीरम्स की बात हो रही है तो क्यों ना मैं ये भी सीरम आप लोगों के सामने इसका भी रिजल्ट बताऊँ। ये ब्राइटनिंग वैसे तो सीरम है, एब्जॉर्ब हो जाता है, नॉन ग्रीसी। इसका जो है फॉर्मूला है आप लोगों की स्किन पे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि आप लोगों ने कुछ अपनी स्किन पे अप्लाई किया हुआ है, ऑयल बिल्कुल नहीं छोड़ता और स्किन बहुत ही लाइट वेट सी रहती है। तो इसका भी जो है ऐसा ही है, देखें आप इसका सीरम जैसे कि मिल्की होता है। आप लोगों ने इसको फोरहेड पे स्किन पे अप्लाई कर लेना डे एंड नाइट में, ठीक है। अब क्योंकि ये ज़रा सा ज़्यादा जो है मिल्की है तो आप थोड़ा सा ऐसे लगाने के बाद अपना टूल यूज़ कर सकते हैं और देखना ये है कि ये कैसे आपकी स्किन पे एब्सॉर्ब हो जाता है। बहुत ही अच्छा है ये भी, क्योंकि मैं इसको यूज़ करती रही हूँ। ये डार्क स्पॉट को भी हटाता है, अनइवन स्किन टोन भी ठीक कर देता है। तो ज़रूर आप लोग भी इसको परचेज करें। इसके प्राइस जो हैं जनाब 1699 रुपीज़ हैं, और शिपिंग चार्जेस के साथ 250 आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो तीनों आप लोगों को रिव्यू कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये तीनों जो है सीरम्स आप लोगों को कैसा लगा इसका रिव्यू मुझे ज़रूर बताइएगा, और तीनों आप लोग बाय करें और लगाएं जी और मज़े लें और अपने स्किन को पाएं जी बच्चों की जैसे, बेबी स्किन कर लें। और आप लोग देख सकते हो कि मेरी स्किन बहुत ही शाइन कर रही है,
यहाँ पर भी बहुत अच्छा सा हो रहा है, और ये तो बिल्कुल एब्सॉर्ब हो चुकी हैं दोनों साइड्स, और ये वाली तो बहुत ही लाइटर है जो कि लॉरियल का बिल्कुल चिपचिपाहट इसके ऊपर नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीसी सा है क्योंकि मिल्की इन्होंने इसका जो सीरम बनाया है इसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपकी स्किन टाइप के हिसाब से। तो अगर आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हो तो अच्छे तरीके से अपनी स्किन पर आप लोग अप्लाई कर लें। Skinly Brightening Serum is a powerful serum that helps the brightening even tone, reduce dark spot, improve the skin clarity and radiance. ठीक है जनाब, तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा आप लोगों ने बाय किया और कैसा रिजल्ट दे रहा है। लॉरियल का अच्छा दे रहा है जनाब, या फिर ऑर्गेनाइस्टर का अच्छा दे रहा है, या शैनली का अच्छा दे रहा है, शैनली का, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, और मेरा जेन्युइन रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मुझे बताएं कि मैं न्यू कौन सी प्रोडक्ट का आप लोगों के लिए लेके आऊं जी रिव्यू। तब तक दें जी मायरा इफी को इजाजत, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज।